थी और उस समय भी उनको धमकी मिल रही थी, और ऐसे में परिवार के लोगों को उन्होंने एसपी का फोन नंबर भी दिया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो उनकी संदिग्ध मौत हुई है, इसको लेकर परिवार के लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि सुनियोजित तरीके से यह रणनीति बनाकर उनकी हत्या की गई है। और अगर इस मामले की जांच सही दिशा में जाएगी, अच्छे से जांच होगी, तो शायद सब कुछ सामने आ जाएगा। जो इसकी हकीकत है वो सामने आ जाएगी कि उनकी कैसे यह मौत हुई या फिर उनको सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। बिल्कुल। और क्या चंद्रमोहन, रंजय हत्याकांड की जो सुनवाई हो रही थी, क्या उससे भी इसका कोई कनेक्शन मिलता जुलता दिख रहा है इस पूरे मामले का? देखिए, परिवार के लोग तो अब तक इसमें खुलकर कुछ मारा गया है, ये सब कुछ देखता है, उसके पीछे मोटरसाइकिल भी चलता है, वो भी देख रहा है सब कुछ। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि कोई दुर्घटना है, यानी तो बिल्कुल साफ देखता है। और कहीं पुलिस का कोई अता पता भी नहीं है उन क्षेत्रों में, जबकि वो ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस को पेट्रोलिंग करना चाहिए। इसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहले से कोई प्री प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने भी या सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद जो बातें सामने आई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की और पूरे मामले को जांच किया, हम सब लोगों ने भी कहा है कि भाई इसकी तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की पुलिस इसको ठीक प्रकार से जांच नहीं कर सकती। अगर राज्य की पुलिस जांच करती तो विश्वसनीयता तभी होती जब तड़के उसकी हत्या होती है। तो पहला दृष्ट तो ये होता है कि भाई पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी। अब उन पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार कार्रवाई करती, लेकिन अभी तक तो आप सबने नहीं देखा होगा कि कहीं किसी ने कोई कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर। आखिर पुलिस करती क्या है कि रात भर वसूली करती है और सवेरे सो जाती है? अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो फिर कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे, कैसे लोग बचे? और ऐसी पुलिस से हम जांच की कैसे विश्वास कर सकते हैं? और अभी भी आप देखें, लगातार वकील की हत्या हुई, फिर जज की। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को हम सुन रहे थे और उन्होंने भी मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या रंजय हत्याकांड की जो सुनवाई थी उससे क्या इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं? परिवार वालों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, परिवार वाले तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब तक जिस मामले में भी उन्होंने या तो बेल रिजेक्ट किया हो, जो बड़े अपराधी हैं उनका, या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं डर बना रहता है। और इससे पहले भी उनको कई बार धमकियां मिल चुकी थी, क्योंकि उनके भाई का साफ तौर पर यह मानना है कि जब उनको इससे पहले एक बार धमकी मिली थी तो उन्होंने एसपी का फ़ोन नंबर भी दिया था। ऐसे में जो पुलिस जाँच कर रही है वो तीन दिशाओं में जांच हो रही है। एक तो जो दो ऑटो में सवार और ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ की जा रही है, उससे साक्ष्य जुटाने की, और साथ ही इस कहीं ये बड़ी कोई साजिश तो नहीं थी इसकी जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ये भी जांच करने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस उस दिशा में भी जाँच कर रही है कि इससे पहले उन्होंने कौन कौन से बड़े अपराधी का बेल रिजेक्ट किया था और साथ ही किनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उस मामले में भी जाँच हो रही है। और साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले जिस जिले में वो तैनात थे, जहां पर उनको धमकियां मिली थी, वहां से कोई साजिश रची गई हो। तो इन तीन दिशाओं में जांच चल रही है, और प्रशासन का और पुलिस का साफ तौर पर यह मानना है, जो एसआईटी के अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पर यह मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन परिवार के लोगों का यह आरोप है कि अब तक इनको यह जानकारी ही नहीं दी जा रही है कि जांच कहां तक पहुंची, क्या अब तक बातें सामने आई हैं, और इस जो संदिग्ध मौत की गुत्थी है, इसके पीछे की हकीकत क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश रची, एक ऑटो को, जैसा कि ऑटो के मालिक का कहना है कि उसका ऑटो गुम हो गया था, चुरा लिया गया था, वहां से लेकर दो लोग आते हैं, और जब उत्तम आनंद जॉगिंग कर रहे होते हैं, चौराहे से गुजर रहे होते हैं, उस समय पीछे से ऑटो आता है, टक्कर मारता है और गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है वो परिवार के लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि साजिश के तहत यह हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एसआईटी भी पूरे मामले की जांच कर रही है, और यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस संदिग्ध मौत का खुलासा हो जाएगा कि आखिर
यह मौत है या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई थी। यानी कि सवाल के इंतजार सबको है कि आखिर ये एक हादसा था या फिर हत्या। वहीं जिस ऑटो ने जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी उसके मालिक का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे थे, देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते थे। सारा गाड़ी आप करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसके लगे। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुनते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुनते हैं। सूचना थाना को दिए? पाथरी थाना सूचना दी है अभी। जज की मौत पर हजारीबाग बार काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑटो था, उस ऑटो में कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने भी कुछ वार किया है, असॉल्ट किया है, जिसके कारण वो गिर गए। गिर जाने के बाद हम समझते हैं 1 से 1.5 घंटा तक कोई आदमी देखने नहीं आया और उसके बाद उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सुनियोजित ढंग से ये घटना को कारित किया गया है लोगों, किसी क्रिमिनल लोगों के द्वारा। CBI की जांच की मांग करता हूं।